दोस्तों आपने 5 लाख 10 लाख 15 लाख की कार का माइलेज टेस्ट तो देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 1 करोड़ 20 लाख रुपए की कार का माइलेज टेस्ट। एक लग्जरी कार का माइलेज टेस्ट हम लोग आज जो करने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम है भाविन, आप देख रहे हो ऑटो रेव हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं बात कर रहा हूँ अबाउट द ब्रांड न्यू वोल्वो XC90। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट कौन सी कार बाइक स्कूटर आप देखना चाहते हो ऑन द चैनल वो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हो। इंस्टाग्राम पे लिख देना, कॉमेंट सेक्शन में लिख देना और मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अब जो वीडियो को स्टार्ट करता है विदाउट एनी मोर टाइम। फाइनली जो है ट्रिप के लिए रेडी हो चुके हैं, गाड़ी स्टार्ट कर लिया है। जस्ट हम लोगों ने फ्यूल जो है वो फुल टैंक करवा लिया है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ट्रिप मीटर भी मैंने जीरो कर लिया है, तो बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये भी पता चल जाएगा क्लियर कट कि ये कार जो है कितना माइलेज डिलीवर कर देती है। आधे घंटे का ट्रैफिक जाम था, 15 मिनट हम लोग कवर कर चुके हैं। यहाँ पे ऐसे ही आप देख सकते हो अभी भी 16 मिनट जो है ये दिखा रहा है। ड्राइव स्टार्ट करने से लेके अभी तक यहाँ पे ओडोमीटर जैसे कि आप देख सकते हो 92.5 जो है किलोमीटर्स ही हम लोग ने जो है कार चलाया है, और रेंज जो है 530 किलोमीटर दिखा रहा था, लेकिन विद टाइम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है रेंज बढ़ रही है यहाँ पे, सो दैट्स अ गुड थिंग। अभी 590 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, थोड़ा सा फ्यूल का पॉइंट जो वो यहाँ पे नीचे आया है। इसको जो है हम लोग हाफ टैंक पे जो है इसका माइलेज टेस्ट प्रॉपर करेंगे। बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ये भी शेयर करूंगा कि किस कंडीशन सिचुएशन में कितने परसेंट हाईवे रहा है, कितने परसेंट सिटी रहा है, किस तरह का लगेज रहा है कार में, सारी डिटेल्स आपको बाय द एंड ऑफ द वीडियो जो मिलने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। फाइनली हमने जो इस कार का हाफ टैंक ऑफ फ्यूल यूटिलाइज कर लिया है। अब बात करते हैं किस तरह का प्रैक्टिकल माइलेज इस कार ने डिलीवर किया है। तो वोल्वो XC90 में आपको मिल जाती है 71 लीटर्स की फ्यूल टैंक। हाफ टैंक खत्म हुआ यानी कि 35.5 लीटर्स का फ्यूल यहाँ पे खत्म हुआ है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जैसे कि आप देख सकते हो अभी तो 332 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन जब मैंने क्लिप शूट किया था तभी दिखा रहा था 329.5 समथिंग किलोमीटर, जहाँ पे हाफ टैंक खत्म हुआ था। तो अगर आप डिवाइड करेंगे 329.5 डिवाइडेड बाय 35.5 लीटर्स का फ्यूल, दैट कम्स टू अ प्रैक्टिकल माइलेज ऑफ 9.27 किलोमीटर। तो वोल्वो XC90 ने डिलीवर किया है 9.27 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो माइलेज दिखा रहा है 8.9 का, वो काफी जो है आसपास का माइलेज है। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो माइलेज आपको शो करती है गाड़ियां वो मोस्टली जो है वो आसपास ही होता है, एकदम एक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन आसपास आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं किस कंडीशन सिचुएशन में मैंने गाड़ी को चलाया है। तो जो है मोस्ट ऑफ द टाइम हाईवे पे कार रही है। अब हम लोग गोवा की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे काफी सारा घाट सेक्शन है जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे किसी भी तरह का जो है मैंने कांस्टेंट स्पीड मेंटेन बिल्कुल भी नहीं किया है। हम लोग जो है जैसे रोड आ रहा है उसी तरह से मैं चला रहा हूँ। सेकेंडली क्रूज कंट्रोल जो है बहुत ज्यादा यूज नहीं किया है। थर्डली यहाँ पे आधे घंटे का ट्रैफिक जाम हमें जो है रास्ते में मिला था। तो इन सारी सिचुएशंस के बाद गाड़ी ने रिटर्न किया है 9.27 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा है। आप मेरे को डेफिनेटली आप बता सकते हो कि आपको क्या लगता है अच्छा है बुरा है ठीक है, वो आप डेफिनेटली मुझे बताना। बाय द वे इंजन के बारे में बात किया है तो इस कार में आपको मिल जाता है 2 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि काफी बेहतरीन पावर एंड टॉर्क बना करके दे देता है। 0-100 ये कार पहुंच जाती है 7 पॉइंट समथिंग सेकेंड्स में, जो कि अगेन परफॉर्मेंस जो है वो काफी ब्रिलियंट आपको मिल जाता है। रिफाइनमेंट जो है वो इंजन का काफी बढ़िया आपको मिलता है। सो गाइस ये था एक डिटेल्ड माइलेज टेस्ट ऑफ द वोल्वो XC90। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जरूर ट्राई करेंगे कि सिटी में इसका माइलेज टेस्ट जो है वो निकाला जाए।
आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और ऐसे वीडियोस के आप बना सकते हो ऑन द चैनल. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. टिल देन ड्राइव सेफ, राइड सेफ. बाय बाय.